वेलकम ऑन रिसर्वाइस अकेडमी। आज आप भारत के संविधान में संशोधन को पूरी तरह से समझेंगे, साथ ही अब तक जो भी सबसे महत्वपूर्ण संशोधन संविधान में हुए हैं उन्हें भी जानेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या एग्जामों में सामान्यतः अधिक होती है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, संविधान का जो भाग 20 है उसका जो अनुच्छेद 368 है, उसमें संसद को संविधान में एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो संशोधन का प्रावधान कौन से भाग में? संविधान के 20 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, इसमें उल्लिखित है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति द्वारा संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन, परिवर्तन या निरसन, यानी संसद अपनी विधायी जो शक्ति है उसके द्वारा संविधान के किसी भाग को बढ़ा सकती है, उसमें चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या बिल्कुल ही हटा सकती है। ठीक है, और इस तरीके से संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान में उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। और यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कैसी है, तो ये ब्रिटेन के समान आसान तथा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया की। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का इस तरीके से उल्लेख किया गया है। पहला, इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी कि जो संविधान संशोधन का बिल होगा उसे चाहे तो आप लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल में इससे संबंधित कोई बिल नहीं लाया जा सकता। राज्य विधानमंडल में पावर नहीं है कि वो संविधान में संशोधन करे। ठीक है, दूसरा, संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संशोधन का जो विधेयक होगा, जो संशोधन का बिल होगा, उसे या तो मंत्री प्रस्तुत कर सकता है या गैर सरकारी सदस्य, यानी कोई भी जो एमपी है वो इससे संबंधित बिल उसमें संसद में रख सकता है। और इस बिल को रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। होता क्या है, जैसे धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, इन्हें संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ये क्योंकि इंपोर्टेंट बिल है। वहीं अगर आप संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को लाते हैं जो कि एक इंपोर्टेंट बिल है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, प्रत्येक सदन में बिल को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। ये जो संविधान संशोधन का बिल होगा इसे संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए। और अगर कोई गतिरोध होता है कि एक संसद में कोई अस्वीकृति बन गई है और पास नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जैसा कि सामान्य बिलों में, सामान्य विधेयकों में होता है कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध बनता है एक सदन से पास होने के बाद, तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। फिर संसद में बिल पारित होने पर राष्ट्रपति इसे सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, जैसा कि अन्य विधेयकों में होता है। बात करते हैं संशोधनों के प्रकार के, जो आपके अमेंडमेंट्स के टाइप्स हैं। तो अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। पहला, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और ये विशेष बहुमत क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा, विशेष बहुमत साथ ही आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही पारित हो जाते हैं और ये संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं होते। तो इस तरह संविधान संशोधन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, यानी कि जितने भी सदस्य उपस्थित हैं अगर उनके बहुमत से ही ये बिल पास हो जाए तो संविधान के उस हिस्से में संशोधन हो जाता है। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं और ये आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर होते हैं। तो इनमें ये ऐसे कौन से उपबंध हैं जो संसद के साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, संशोधित हो जाते हैं?
तो इनमें है नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित कोई प्रावधान अगर संविधान में संशोधित करना है, नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन। ऐसा लगता है कि ये जो राज्यों का निर्माण है और ये राज्य संबंधित मसले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है एग्जाम के टाइम पे कि इनसे संबंधित संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होंगे, लेकिन आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इनसे संबंधित संशोधन साधारण बहुमत द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, फिर है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति और पांचवी और छठी अनुसूची में संशोधन, ये सब संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होता है विशेष बहुमत। समझ गए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि संसद के कुल सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कौन कौन से व्यवस्था शामिल है इस तरह के संशोधन में। तो मूल अधिकार में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो इसी तरीके के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो विषय है संविधान में वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होते हैं। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो संघीय ढांचे से संबंधित जो भी हमारे फेडरल सिस्टम से संबंधित संविधान में के उपबंध हैं उनको संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा यह निर्धारित नहीं की गई है। तो इन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया। दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। तीसरा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित अगर प्रावधान है कोई तो वो भी इस तरीके से आपका संशोधित होगा। सातवीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, सातवीं अनुसूची आप जानते हैं जिसमें हमारी राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बारे में यह तीनों सूचियाँ शामिल हैं, तो उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो इस तरीके के संशोधन द्वारा ही किया जाएगा। और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रिया है, यानी कि आर्टिकल 368 में स्वयं में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी यही इसी तरीके का संशोधन की व्यवस्था अपनानी होगी कि संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति। ठीक है, अब हम जानते हैं संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, जैसे कि आपका पहला संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, उसमें आपका जो आपकी ये शेड्यूल है अनुसूची है पहले 8 थी तो उसके द्वारा 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ दी गई थी। ठीक है, जिसमें भूमि संबंधित मामले रखे थे और इन्हें न्याय पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था, यानी कि जो सभी उसके न्यायालय के पास एक शक्ति होती है कि अगर कोई बिल आपका संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हम न्यायालय निरस्त कर सकता है। लेकिन इस जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गए थे आपके जो भी विषय सम्मिलित हो गए थे वो न्यायालय की इस शक्ति से बाहर हो गए थे, यानी कि न्यायालय उनका पुनरावलोकन नहीं कर सकता था और उन्हें संरक्षण मिल गया था। और इसी तरीके के जो भी कुछ आगे जो इम्पोर्टेंट आपके अमेंडमेंट से संशोधन है, जैसे 42वां, 44वां, 24वां, इन सब के बारे में मैं अगले पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसका अगला पार्ट आएगा उसके लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।